Hello, what's up guys, my name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to create a school timetable in HTML. So let's begin. Yeah guys, today we will see how we can make school ka jo timetable hota usko hum HTML ke through kis tarike se bana sakte. To chaliye shuru karte hain. Dekhiye sabse pehle yahan pe image bhi dekhiye, timetable ka already maine image rakha hua hai, theek hai. Aap dekh sakte ho pehla row hai, theek hai, jisme koi sirf ek hi column hai timetable ka. Then dusra row hai, theek hai, teesra फोर्थ फिफ्थ रो को आप देख सकते हो जहाँ पे अगेन लंच ने पूरा कॉलम एक ही खाया हुआ है. और ये जो आवर्स का दिख रहा है ये भी पहला रो, ये हमारा क्या पहला कॉलम है जो सभी कॉलम को एक माना हुआ है, ठीक है. तो चलिए देखते, बहुत ईजी है, सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाते हैं. तो सबसे पहले तो हमें HTML लिखना ही पड़ता है, ठीक है. उसके बाद बॉडी लिखा, देन हम क्या बना रहे हैं टेबल. तो टेबल के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले टेबल टैग चाहिए. ओपन क्लोज किया, देन अब सारा गेम किसका है, इसमें TR का है, ठीक है. तो ये पहला रो है हमारा. तो पहले रो में ही हमें दिख रहा है कि कितने टोटल, देखो पहले तो कितने कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन, चार, पाँच, छः, टोटल छः कॉलम है. लेकिन पहला जो रो है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है जो कि टाइम टेबल का. और आप देख सकते हो थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है टाइम टेबल, ये मंडे ट्यूजडे आवर्स लंच, मतलब ये इन्होंने क्या यूज किया, TH यूज किया, मतलब टेबल हेडिंग. अगर हेडिंग लेते TH तो डार्क हो जाता, TD टेबल डेटा लेते वो थोड़ा लाइट रहता है, ठीक है. तो TH में क्या लिखेंगे हम, टाइम टेबल लिख दिया, सेव करता हूँ, ठीक है. तो मैं अब इसको सेव करके और मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ पहले तो कैसे दिखने वाला है. ये देखिए टाइम टेबल दिख रहा है, लेकिन अब कुछ पता नहीं चल रहा है टेबल है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, टेबल को बॉर्डर दे देंगे, ठीक है. बॉर्डर दिया, अब मैं 1 पिक्सल और यहाँ पे मैं इसको सेव करके दिखा देता हूँ. देखिए हमारा पहला ऐसा दिख रहा है. अब आप देखो तब भी यहाँ पे स्पेस बहुत दिख रहा है इस बॉर्डर और इस बॉर्डर के बीच, इनर और आउटर बॉर्डर के बीच बहुत स्पेस है. हमें स्पेस नहीं चाहिए, अच्छा नहीं दिख रहा ना वो. सेल स्पेसिंग लिखेंगे हम, ठीक है. और यहाँ पे वैल्यू क्या दे देंगे, 0. मैं बताना चाहता हूँ गाइस, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है पहले टेबल के ऊपर मेरे HTML की सीरीज में, ठीक है. अगर अभी तक आपने देखा उसको एक बार देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ईजी लगेगा, आपको सब समझ में आ जाएगा. सेल्स पैडिंग, सेल्स स्पेसिंग, रो स्पैम क्या होता है ये सब, ठीक है. कंट्रोल एस मैंने सेव किया, मैं अब रन कर देता हूँ. देखिए वो चला गया, 0 हो गया. अब आगे देखते हैं, अब हमारा जो सेकेंड रो है उसमें एक कॉलम, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम है. लेकिन जो पहला ही कॉलम है आवर्स का, उसने सारे रो को खाया हुआ है, ठीक है, मतलब स्पैन किया हुआ है. तो उसको हम कैसे लिखते, देखिए यहाँ पे TR, ये अब हमारा सेकेंड रो है. हाँ पहला सारा गेम इसमें TR का ही, ये रो हमें TR के अंदर ही लिखना है सब, और उसके बाद हमें डिफाइन करना है. तो पहला TH लेते हैं जिसमें क्या है वो हमारा आवर्स. ध्यान रखो ये जो पहला कॉलम है इसने सारे रोज को स्पैन किया हुआ है. तो कितने रोज है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि ये सारे रोज को सारे रोज में दिखाई दे ऐसा. तो रो स्पैम, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ रो स्पैम. टोटल कितने, 6. तो अब मैंने जो रो स्पैम लिखा ना, तो ये पूरे 6 रो का स्पेस ले लेगा और एक आवर्स ऐसे बीच में ऑटोमेटिकली सेंटर आ ही जाता है. तो ये अभी 6 रो खा लेगा ये, ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, टाइम टेबल. अच्छा टाइम टेबल जो मैंने लिखा उसने भी तो कॉलम खा रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉल स्पैन, ठीक है. तो कॉल स्पैन मैंने लिख दिया 6. अब देखो ये पहला जो टाइम टेबल है पहला रो 6 कॉलम को ले रहा है, और जो पहला ही जो दिख रहा है आपको ये जो आवर्स वाला जो है ये पहला कॉलम, और ये कितने रो को खा रहा है, 6 रो को खा रहा है. तो इस तरीके से कॉल स्पैन 6, रो स्पैन 6, ठीक है. कंट्रोल एस सेव. अब मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लिख, टोटल कितने, 5 है ना. तो सिंपली वापस TH लिखेंगे, ठीक है. इसको मैं 5 बार कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट. 1 तो हो ही गया, 2, 3, 4 और 5, ठीक है. पहला क्या है मंडे, दूसरा क्या है ट्यूजडे, तीसरा क्या है वेडनेसडे, ठीक है, चौथा क्या है थर्सडे, देन वी हैव फ्राइडे लिखा. इसको कंट्रोल एस सेव. तो ये पहला रो, ये दूसरा रो, मैं कंट्रोल एस सेव मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको. अब टाइम टेबल पे ध्यान दीजिए, ये देखिए टाइम टेबल मैंने जो कॉल स्पैन दिया था ना 6, उसके कारण ऐसा हुआ. अब देखो मैं अगर कॉल स्पैन को अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता ना, ये खाली 4 कॉलम को खाता था, ठीक है. मतलब वेडनेसडे तक होएगा, बाकी ऐसा हो जाएगा. देखो कैसा, ये देखा आपने,
चार कॉलम लिखा ना, 1 2 3 4, इसलिए चार कॉलम खाया, ये दो खाली छोड़ा, लेकिन वैसा नहीं चाहिए। तो आपको बस दिखाने के लिए कि कॉल स्पैम क्या करता है, ठीक है। ये हो गया टाइम टेबल अपना, ये भी ऐसा हो गया सारे डार्क में, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ये अब हम थर्ड रो देखेंगे, थर्ड रो है ना अपना, तो साइंस मैथ आर्ट्स, देखो अब हम यहाँ थर्ड रो बनाएंगे, ठीक है। तीसरा रो में बनाता हूँ, ठीक है। अभी देखो गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल आवर्स जो है ना, इसको मैंने ऑलरेडी रो स्पैम 6 दिया है, तो हम अब टोटल सिर्फ 6 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो इंक्रीमेंट होता जाएगा 6। तो हमें बस साइंस मैथ आर्ट्स बनाना है। टोटल कितनी है कॉलम, 5 है, ठीक है। तो देखो मैं TD में लिखूंगा, क्योंकि ये डेटा है और डेटा लाइट दिख रहा है ना, ये बोल्ड में नहीं दिख रहा है, बोल्ड में दिख रही है लाइट दिख रहा है, तो TD में मैं बनाता हूँ। टोटल कितने, 5, कितने कॉलम चाहिए मुझे, 5 ना, ठीक है 5 हो गए। अब देखो साइंस लिख देता हूँ सबसे पहले, SCIENC साइंस, ठीक है। अगेन वी हैव मैथ्स, देन वी हैव SCIENC साइंस, ठीक है। अगेन मैथ्स है इनका, मैथ्स, देन वी हैव लास्ट क्या है, आर्ट्स, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर किया मैं, अब इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए अब देख रहे आवर्स, देखो मैंने रो स्पैम कितना दिया हुआ है, 6, तो ये एक रो दो रो, दो रो हो गए ऐसे, और 6 बनाऊंगा ना, वो 6 के 6 आ जाएंगे। तो धीरे धीरे अपना सेप आया, इतना हमने बना लिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देता हूँ, आपको क्लियर आएगा। अब इतना हो गया हमारा, अब जो दूसरा वाला है वो सेम है गाइस, उसमें कुछ नहीं करना, आपको बस इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। देखो इससे क्या होगा कि ये जो दूसरा तीसरा तो सेम है ना, तो हमें मैं वैल्यू चेंज, लास्ट का खाली आर्ट्स के बदले क्या कर देता हूँ, स्पोर्ट्स, ताकि आपको थोड़ा सा फर्क दिख जाए। तो सेम वही है गाइस, इसमें भी हमने क्या किया, तीसरा रो बनाया हमने, सॉरी फोर्थ, ये फोर्थ वाला रो क्रिएट किया और इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ये देखो लास्ट आर्ट्स स्पोर्ट्स आ गया। अब थोड़ा सा अब सोचिए, ये जो दिख रहा है लंच, अब आपको क्या चाहिए, आवर्स तो ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन लंच क्या कर रहा है, पूरा जगह ले रहा है, ये कितने कॉलम्स की सभी जगह ले रही है। तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो, आप क्या कीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि टाइम टेबल में जो हमने यूज किया ना फॉर्मूला, वो सेम इसमें यूज करेंगे, मतलब जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया था लंच के लिए भी वही करेंगे। आप क्या कीजिए, इसको एक बार पॉज कीजिए, देखिए खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि इतना भी जो मैंने बताया इसके हिसाब से तो लंच अब आपको इजीली बनाना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके देखिए, चलिए ठीक है, आपने अगर देख लिया होगा तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको। TR के ऊपर है मेरा, फिफ्थ रो हो गया अभी ये, ठीक है। फिफ्थ रो में मुझे सिर्फ एक ही क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, समझ रहे हो। अब ये एक ही कॉलम है, ये रो नहीं कहलाएंगे, एक ही कॉलम है ये। तो मैं क्या करूँगा, अरे ये थोड़ा डार्क है, देखो ये थोड़ा डार्क है, मतलब TH लूंगा, टेबल हेडिंग यहाँ पे लिख दूंगा लंच, ठीक है। और कितने कॉलम ले रहा है ये, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम खा रहा है ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉल स्पैन इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखो गाइस इसमें बस इतना ही, आपको एक लाइन लिखना था, ये लंच हमें इस तरीके से मिल जाएगा जहाँ पे ये सब स्पेस ले रहा है, ठीक है। कंट्रोल एस सेव किया, मैं रन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए लंच आया कि नहीं, हम जैसा चाहते थे वैसा लंच, ठीक है, ये हुआ। अब देखो अब वापस ये जो लास्ट की ये जो है ना, ये एकदम इजी है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको वापस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट एक बार, और एक और बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ कैसे दिखने वाला है, थोड़ा सा छोटा कर देता। अब देखिए हम जैसा चाहते थे वैसा ऑलमोस्ट ये हो चुका है, लेकिन लास्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट जो है वो दो, पहला रो और दूसरा, दो रो को ले रहा है ये, समझ लो दो रो की स्पेस खा रहा है और एक ही मान रहा है। तो लास्ट की जो मेरा इस वाला जो है ना, ये सेकंड लास्ट रो के जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट कॉलम की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, रो स्पैम 2 कर दूंगा, मतलब दो रो को खा ले बोलूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए कैसा होता है, ये जो लास्ट वाला है ना, इसमें मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, अरे ये क्या है, प्रोजेक्ट ना, ओके ठीक है। देखो प्रोजेक्ट लिख देता हूँ, इस सेकंड लास्ट के लास्ट वैल्यू है, ठीक है, प्रोजेक्ट लिखा, और इसमें मेरे को क्या करना है, रो स्पैम देना पड़ेगा, रो स्पैम मतलब दो रो, पहला रो दूसरा रो ये ले रहा है स्पेस, तो रो स्पैम 2 दिया, और फिर कितने टोटल लास्ट में, 1 2 3 4 ही वैल्यू है ना, 4 कॉलम, तो ये लास्ट वाला हमें नहीं चाहिए,
क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। देखिए इतना हुआ, मैं अब इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा इस प्रोजेक्ट, तो जैसा हम चाहते थे वैसा ये बन गया है। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसा आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट जो दिखाई दे रहा है वैसा हमने बना चुका है। तो ये देखिए टाइम टेबल आवर्स जैसा चाहते थे फॉर्मेट में, लंच प्रोजेक्ट दो स्पेस ले रहा है। तो इस तरीके से हम अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, स्कूल के टाइम टेबल यूजिंग एचटीएमएल में जो टेबल टीआर टीडी और टीएच को यूज करके। कोड भी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये देखिए कोड इस तरीके से था ये, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझा होगा क्योंकि लाइन बाय लाइन मैंने बताया। और ये जो कोड है, ठीक है, ये जो मैंने अभी लिखा है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप खुद से पहले तो ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता तो इसको कॉपी पेस्ट करके देखिए कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया गाइस प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, और मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, और मतलब और अच्छी वाली वीडियोस के लिए। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। और हाँ इसमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया ना नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आपको भी कुछ चाहिए कि ऐसा बना के दिखाओ टेबल्स में इस टाइप का टेबल, तो मुझे ज़रूर नीचे बोलिए, मैं ज़रूर आपकी उसकी रिगार्डिंग में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।